अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ फिर नई वीडियो के साथ। लास्ट वीक मैंने अपना सेटअप शो करा था, आप लोग अपने दोस्तों को दिखाया था कि हाउ मैनी एग्स एंड बेबीज आर देयर इन द नेस्ट। तो आज हम फिर अपडेट चेक करेंगे एक हफ्ते की। मैंने सोचा है कि मैं हर हफ्ते जो है मतलब ये अपडेट शो दिखाया करूँगा अपने दोस्तों को। तो आज हम फिर आ गए हैं और अब हम चेक करते हैं कौन सी हंडी हमें क्या क्या अब तक की अपडेट है। ये स्टिल खाली है, नो प्रोग्रेस। ये भी खाली है, लास्ट वीक इसमें बच्चे थे और कुछ अंडे थे। तो आज हम इसमें देखते हैं फिर से। ये देखें, इसमें आपको अब नज़र आ रहे होंगे, ये हैं बच्चे सारे इसमें। ये बच्चे कितने हैं, एक दो तीन बच्चे इसमें नज़र आ रहे हैं। इसको हम लगा देंगे वापस। ये जो है लास्ट वीक मैंने थोड़ी सी घास खा के डाली थी, तो ये उस वक्त लास्ट वीक खाली थी। तो अब इसमें देखें एग्स हैं, पांच अंडे इसमें आ चुके हैं। मतलब ये इन्होंने छोटा सा एक अपना नेस्ट बनाया था और इसमें अब पांच अंडे नज़र आ रहे हैं। तो अभी मुझे मज़ीद इसमें घास डालनी है ताकि ये और घोंसले बना सके अपने फिंचेस। और इस हंडी में रहते हैं, यहाँ भी देखें माशाल्लाह से ये बच्चे बड़े हो गए हैं तकरीबन। तो इसमें अच्छे खासे वो ग्रो कर चुके हैं बच्चे, ये देखें नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। इसमें काफ़ी हद तक बच्चे बड़े बड़े हैं। लास्ट वीक की अपडेट और अब की अपडेट में फ़र्क देखें। लास्ट वीक ये बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे थे और अब देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसमें भी चार बच्चे हैं, लगा दिया वापस। हम जाते हैं इस वाली पे। तो इसमें भी लास्ट वीक बच्चे थे और अभी भी इसमें बच्चे हैं। ये देखेंगे पिछले हफ्ते की जो लास्ट सैटरडे की मेरी वीडियो है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो उसको ज़रूर देखें। और उसमें और इसमें अब प्रोग्रेस देखें, अब एक हफ्ते की प्रोग्रेस है ये कि अब बच्चे उस वक्त कितने छोटे छोटे थे और अब कितने बड़े हो गए। सिमिलरली इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अच्छा, इस कोने वाली के ऊपर चार अंडे थे, पता नहीं वो गिर गए क्या हुआ, देखते हैं उसका भी स्टेटस। नहीं, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं चार और इसमें कोई बच्चे बच्चे की आसरा नहीं है। इसमें भी देखें, माशाल्लाह से इसमें भी बच्चे हैं, एक दो तीन बच्चे हैं इसमें। इसको भी हम लगा देंगे वापस। फिंचेस की ये बात बड़ी अच्छी है कि मतलब ये एक दफ़ा में मिनिमम तीन से चार पे मैक्सिमम छः अंडे तक देती है, और अगर बहुत अच्छी फीमेल होगी तो वो छः के छः बच्चे भी निकाल देती है और बड़े कर देती है। मतलब मरते नहीं हो अगर अच्छी फीमेल हो, मतलब फीड भी अच्छी कराती है।